Hi everyone, great morning. Welcome to another knowledgeable session of algebra. In this session, we'll learn practice at 1.5 of algebra's first chapter, linear equation in two variables. Now students, इस practice set में हमें क्या करना है, word problems को solve करके equation बनाना है और उन equations को simultaneous equations से, graphical method से या Cramer's rule से solve करके हमें उनके solutions find out करना है. यहाँ पे थोड़ा सा आपके इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग. जितना अच्छे से आप क्वेश्चन रीड कर पाओगे उतना अच्छे से आप इक्वेशन फ्रेम कर पाओगे. नाउ द फर्स्ट सम ऑफ प्रैक्टिस एट 1.5 सेज टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. Find the numbers. Now students, what we can see here, there are two numbers, one is greater and one is smaller. So हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले let the greater number be x and the smaller number be y. Therefore, according to first given condition, मैं short form में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, आपको exam में full form में लिखना है. अब first given condition क्या बोलती है? The numbers differ by 3. So differ means difference. That means ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो डिफरेंस बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होगा. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये इजीली बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, के द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. दैट मीन्स वॉट दे एक्सपेक्टिंग, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, smaller number y है तो उसका twice कितना हो जाएगा 2y, and thrice the greater number is कितना हो जाएगा student 19. तो ये हो गया आपका equation 2. हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे y को target करते हैं क्योंकि यहाँ पे minus है यहाँ पे plus है, मैं इसको through 2 से multiply करूँगा तो अलग sign होके मैं इसको add कर पाऊँगा. तो what we can see here, by multiplying equation 1 by 2 आपको 2x minus 2y is equal to 6 मिलेगा और इससे आपको equation 3 मिलेगा. अब मैं equation 2 और 3 को students add करूँगा. Adding equation 2 and 3, so आपका 3x plus 2y is equal to 19, add हो जाएगा 2x minus 2y is equal to 6 है. Add होके ये क्या हो जाएगा, plus 2y minus 2y cancel, यहाँ पे आपको 5x मिलेगा और ये add होके आपका 25 हो जाएगा. So therefore students, x is equal to 25 upon 5, ये cancel होके आपको 5 मिलेगा, therefore x is equal to आपका 5. Now put x is equal to 5 in any of the equation 1, 2, 3 में से जो easiest है, 1 सबसे easiest है उसमें put करते हैं, x is equal to 5 in equation 1. So equation 1 क्या था एक बार लिख लेंगे, x की value 5 minus y is equal to 3, therefore minus y is equal to 3 minus 5. स्टूडेंट्स ये 5 जब होता जाएगा तो प्लीज भूलना नहीं कि y के साथ माइनस है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 लिख देंगे और ये भूल जाएंगे कि y के साथ माइनस है और फिर आंसर फिर उल्टा मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा या कुछ व्हाटएवर अपोजिट मिलेगा. तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो देखो आपको माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, देखो y इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा. अब सिर्फ x और y लिख के मत आ जाना, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. x और y हमने लिया था, कोई PQ ले सकता है, कोई इसको MN ले सकता है, कोई कुछ भी अल्फाबेट इसको कंसीडर कर सकता है स्टूडेंट. तो उनको एक्स और वाई में आंसर नहीं चाहिए अभी, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. सो दैट मींस उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अब ग्रेटर नंबर क्या है 5 एंड स्मॉलर नंबर क्या है 2. दैट्स इट. कमिंग टू थर्ड सम स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. We have to find their present ages. अब students, ये age type का sum है जो हमेशा board exam में आता ही है, नहीं तो एटलीस्ट आपको आपके prelim में मिलेगा ही मिलेगा. थोड़ा सा tricky होता है, confusing होता है, अगेन question आप अच्छे से read करोगे तो आपको easily equation frame करने आएगा. So we'll start the third sum as, let the present age of father be x years and son's present age be y years. दोनों की हम present age को x और y ले रहे हैं. Present पे focus किया है तो हम present को highlight भी करेंगे. So according to first given condition students, first given condition क्या बोलती है, the sum of father's age and twice the age of his son is 70.
तो फादर एज क्या है, फादर्स एज इज एक्स, सम बोला है मतलब एडिशन, ट्वाइस द सन्स एज मतलब टू टाइम्स क्या हो जाएगा वाई इज 70, इजिली वी गॉट अवर फर्स्ट इक्वेशन. Now, according to second given condition, what they have said? If we double the age of the father, अगर हम father की age को double कर दें and उसको किस में add कर देंगे son की age में, तो वो हो जाएगा दोनों का addition 95. तो father की age जो है indirectly क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसको add कर रहे हैं son की age के अंदर, और अब इनका addition हमको दे रहा है 95. तो कितना इजीली इक्वेशन बन गया. अब मैं एक्स या वाई को किसी एक को टारगेट करके इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, सम सॉल्व कर सकता हूँ. तो व्हाट आई डू, आई विल टारगेट द वाई, तो दोनों की सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई कैन सी, एक्स या वाई किसी को भी टारगेट कर सकता हूँ मैं वाई को टारगेट कर रहा हूँ, दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, उसके पहले थ्रू आउट उसको 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, तो ये हो जाएगा आपका 4x plus 2y is equal to 190. ये हो गया आपका इक्वेशन 3. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, वी गेट x plus 2y is equal to 70, और यहां पे आपका 4x plus 2y is equal to 190. माइनस होगा तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगी, इधर भी साइन चेंज होगी, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा 120. तो माइनस माइनस कैंसिल होके देयरफॉर आपका कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3 मिलेगा, और ये 40. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40. x 40 मिल गया. नाउ वी विल गो फॉर y. पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1. बहुत ईजीली दिख रहा है मुझे. So, x की जगह हम 40 पुट करेंगे, 2y is equal to 70, और ये 2y is equal to 70 minus 40, 2y is equal to 30, so therefore y is equal to 30 upon 2, और ये cancel होके 15, so therefore y is equal to 15. अब students, मैं repeat करूँ, x और y नहीं मांगा था उन्होंने father और son की present age मांगा था. तो x क्या था, father की present age था, और y क्या था, son की present age था. So, statement लिखना मत भूलना. Therefore, father's present age is 40 years and son's present age is 15 years. Coming to question number 4, students, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब स्टूडेंट्स, ये एक फ्रैक्शन टाइप का सम है, इसके अंदर हमेशा क्या हो जाएगा, तीन लाइन हमें लिखना ही है विदाउट फॉल्ट. जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का सम आएगा या फ्रैक्शन टाइप का सम आएगा, तीन लाइन हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे. मैं बताता हूँ, आपकी पहली लाइन होगी लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y. दैट मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको x अपॉन y यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन सेज, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर मतलब चार ज्यादा है. किस में चार ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ओके, ये ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. अब इसमें से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग. सो -2x plus y is equal to 4, ये आपको इक्वेशन 1 दे देगा. आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन की तरफ स्टूडेंट्स. सेकंड गिवन कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाएगा इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6. एज द क्वेश्चन सेज, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय
6. सो देयरफॉर अभी आपका नया न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस सिक्स एंड नया डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस सिक्स. तो इसके बेस पे आपका जो कंडीशन बनेगा कि व्हेन वी आर रिड्यूसिंग 6 फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. देयरफॉर डिनोमिनेटर जो है वो हो जा रहा है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 12x, आई मीन 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 72. हम लोग फिर से क्या करेंगे, x और y के टर्म्स लेफ्ट साइड में लाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे. तो माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 66. मैं इक्वेशन 1 के बेस पे व्हाट आई कैन सी, मैं इजीली अगर यहाँ पे साइन माइनस थ्रू आउट वन से डिवाइड कर दूँ तो आपको 12x माइनस y इज इक्वल टू 66 मिलेगा. ये हो गया इक्वेशन 2. अब मैं यहाँ पे y को टारगेट करूंगा, अलग साइन है दोनों की तो मुझे ऐड करना चाहिए. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और 12x माइनस y इज इक्वल टू 66 को ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपको 10x इज इक्वल टू आपको 70 मिलेगा. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 7. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7. अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 7 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 आपका ये था, तो माइनस 2 टाइम्स 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 which is equal to 18. So, therefore आपका y is equal to 18 मिला students. अब हमें x और y नहीं पूछा था, x और y तो हमने consider किया था, हमें fraction चाहिए था, याद है? Therefore, the required fraction is जो x upon y था, अब हम उसके अंदर क्या कर देंगे, x की value 7 upon 18. ये हमारा final answer.